सकते हैं, उनको ये बुद्धिया विद्या बुद्धि पांडित्य वहां पर काम नहीं करता है। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनको पहचान नहीं पाए, जीव क्या पहचानेगा, लेकिन उसको कौन पहचानेगा, वो स्वयं अगर इसको कृपा करके जाना है, इसलिए उनको जानते हैं। भैया ढूंढेगी, अगर मैं कोई चिन्ह छोड़ कर नहीं जाए ना, भैया मेरे को पा नहीं सकती। इसलिए इतने में भैया ने किया कि हाथ में एक लठिया ले, लठिया लेकर उनको पीछे 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 भैया फलो कर रहे। कृष्ण उखलों के ऊपर खड़े होकर के बंदर को मक्खन खिला रहे थे, बिल्ली जैसे धीरे 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 चलती भैया धीरे धीरे आ रही थी, और एक एक बंदर को पीछे पीछे हटने लग गए। देखा भैया डंडा लेकर के आ रही है, वो हटने लग सबसे सब हटने लगे। कृष्ण सोचे भैया ये हट रहे क्यों, क्या चक्कर है, मैया तो नहीं आ गई। सचमुच से देखा पीछे मैया खड़ी हुई, अभी अभी पकड़ने वाली। इतने में कृष्णा पहले से ही मेन गेट का दरवाजा, मेन रोड का दरवाजा को खोल कर रखे थे। कृष्णा छलांग लगाए और घर से बाहर निकल गए। बोले क्यों निकले, बोले पहले पहले माताएं कोई भी घर से बाहर नहीं जाती, हर समय घर को अंदर में रहा करते थे। कृष्णा सोच रहे थे घर की मैया खुद बाहर जाएगी, मैं तो लाऊं। लेकिन उसी दिन था दीपावली, कोई ब्रज में थे नहीं, सबके सब गए थे दीपावली मनाने के लिए। बोले कहाँ जाओगे, मेरे कोख से जन्म लिया ना, तू सोच रहे हो मैं स्त्री घर से बाहर नहीं निकलूंगी, आज कोई गांव में नहीं, आज तक मैं छोड़ूंगी नहीं। इतने में मैया तो कन्हैया को पीछे भागने लगी। अभी कृष्ण 3 साल का बच्चा बड़े तेजी से भाग रहा है, मैया तो थोड़ी सी मोटी सी थी, जब उसने थोड़ी सी भागी ना वो हाँफने लग गई, और भैया से भगा नहीं जा रही थी। और चोटी में सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार करके रखी थी, एक एक फूल गिरते गिरते मैया को प्यार के ऊपर गिर रहा था। ये फूल क्यों गिर रहा था, बोले देख मैया तू ये मत समझो तू अकेले हो, अकेले नहीं तेरे साथ हम भी है, आज सबके मिल करके कन्हैया को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इतने में मैया ने कहा हाँफने जब लग गए, कृष्ण सोचा मैया कहाँ तक भगाओ, कहाँ तक मैया को भगाओ, मैया को हाँफने लग गई। मैया ने कहा लाला वहां खड़ा होता कि नहीं, देख मेरे हाथ में देख रहे हो लठिया देख रहे हो, अभी मारू फेंक करके। इतने में कृष्ण खड़े हो गए, बोले मैया मैं तो खड़े रह जाऊंगो, लेकिन तेरे हाथ में लठिया देख कर डर लग रहा है, पहले लठिया को फेंक दे, बोले तेरे को थोड़ी मैं मारूंगी, तेरे को तो मैं पूजूंगी। अब बच्चों को सब कोई पूजा करती ना कभी कभी, तो तेरे को आज पूजूंगी मारूंगी नहीं। भैया लठिया को पीछे कर दी और जाकर कृष्ण को पकड़ लिए। जो पकड़ लिए कृष्ण तो डर के मारे सिसक सिसक करके रो रहे थे। इसलिए हमारे एक सत्य व्रत मुनि हुए, बड़े सुंदर एक भजन लिखते हैं, बोले नमामि स्वरम् सच्चिदानन्द रूपम् और गले में त्रिवली होता है, गले में त्रिवली पड़ा हुआ। कृष्ण बड़ी जोर से कृष्ण रो रहे थे।
भैया ने कहा ये बता ये मटकी किसने खोली। बोले भैया साची साची बताओ ना, झूठ झूठ। बोले झूठ की साची साची बता दे। बोले भैया तो पैर में जो इतने इतने मोटे मोटे कौड़ूले पहन रखे, जब तुम तेजी से भाग रहे थे दूध को रक्षा करने के लिए, वो कौड़ूले लग कर की मटकी फूट गई, मैंने मटकी थोड़ी फोड़ी। बोले देखो कितना दुष्ट, मेरे नाम पर दोष लगा रहा, मैंने मटकी फोड़ दी। बोले ये बताओ ये बंदर को किसने खिलाया। बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले बड़े बड़े बात करता है। बोले तुम तो चोर हो गया। कृष्ण बचपन में सुना था उनको एक मामा जी का नाम था चोर गो। कृष्ण ने कहा मैंने चोर, नंद बाबा राजा का बेटा भी, तेरे घर में कोई चोर गो होगा, हमारे घर में कोई चोर नहीं। बोले पता नहीं कहां से सुन कर देखा। बोले तू तो बंदर का दोस्त हो गया। बोले भैया फिर मेरे को छोड़ दे, मैं जंगल में बंदर का साथ में रहा करूंगा, तेरे घर में रहूंगा नहीं। अब देखना बच्चे को जो क्रोध है ना, वो जो इच्छा सो कर देते हैं। भैया ने देखा कितने कष्ट से एक लाला मिलो है, सचमुच से अगर जंगल में चला गया तो फिर क्या होगा। देखना बच्चों का क्रोध जल्दी आता है और जल्दी खत्म हो जाती है। बोले थोड़ी समय के लिए बांध करके रख लेती हूँ, अपना चोटी भी जो रिबन फीता से बांध रखी उसको निकाल ली। बोले तू खल अरे उदू खल। उदू खल जानते हो, पहले मशीन नहीं होता था, एक लकड़ी होता था जिसमें एक गड्ढा सा होता था, उसमें गेहूं चावल को रख करके और ये हैं लकड़ी लेकर के उसमें मार मार करके सब उसी में हुआ करता था। बोले तुम दोनों मिलकर के ये मक्खन चोरी की, आज तुम दोनों को बांध कर रखोगी। मैया ने जब बांधने के लिए गई उसमें दो अंगुली कम पड़ गई। गोपियों को बोले और एक रस्सी लाओ, फिर बांधने के लिए गई तो फिर दो अंगुली। ब्रज के सारे रस्सी समाप्त हो गई लेकिन दो अंगुली किसी तरह से पूरी नहीं पड़ रही। मैया तो सबर से शाम हो गया। गोपियां कहती है मैया बिधाता तेरे लाला के ललाट में बंधन नहीं रख ली थी, तो कैसे लाला को बांधोगे। बोले क्या मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध सकती हूँ, बांध करके ही छोड़ूंगी, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं। इतने में उसने मन में ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गई। हे ठाकुर जी मेरे तो लाज को बच्चा। जब शरणागत हो गई कहते माता परिश्रमम दृष्ट्वा कृपया आसीत सुबंधने। मैया ने बांधी नहीं, मैया की परिश्रम को देख करके भगवान बंधन को स्वीकार की। तब हमारे टीकाकार लोग बहुत अच्छी बात बताते हैं, इसमें तीन अंगुलों क्यों कम नहीं पड़ा, उसमें चार क्यों नहीं पड़ा, कितना अंगुलों कम पड़ती थी, दो ही। देखो अभी ध्यान देकर सुनो, मैं इसको सुनाने के बाद आपको फिर पूछूंगा इसमें दो अंगुलों क्यों कम पड़ा, मैं पूछूंगा देखूंगा कौन मेरे को बता पाता है। जो पहला अंगुल है जैसे मैया सवेरे से शाम तक उसने उसको पीछा नहीं छोड़े, तेरे को आज मैं बांध करके रहूंगी। सबर से शाम तक हो गया लेकिन बांध नहीं सकी, उनको बांध नहीं सकी। बोले क्यों बांध नहीं सकी, किस चीज को हम बांध सकते हैं जो कोई सीमा विशिष्ट हो, लेकिन कृष्ण कौन है, असीम है, अनंत है, जिसका बाहर भी नहीं जिसका भीतर भी नहीं, फिर उनको बांधेगा कैसे। सीमा विशिष्ट हो तभी तो उसको कहीं बांध सकते है, इसीलिए। लेकिन मैया ने क्या की, कोशिश नहीं छोड़ी, मतलब बांध करके रहूंगी कैसे बांधूंगी नहीं, तेरे को तेरे तुम्हारे कोख से जन्म लिया ना। हाँ ये जो चेष्टा है ये एक अंगुल है, दूसरा अंगुल क्या है, कहते भगवान का कृपा, भगवान की कृपा। जब मैया ने किसी तरह से छोड़ी नहीं तो भगवान की हृदय द्रवीभूत हो जाता है, लेकिन द्रवीभूत कब हुआ, जब मैया ने ठाकुर जी की चरण में शरणागत हो गई। ठाकुर जी मेरे लाज को तो बचा, सबर से शाम हो गया तो प्ले अभी तो मैं बांध नहीं पाई, मेरे लाज को बचा। जब उसने शरणागत हो गई मेरे ठाकुर जी की कृपा उनको बन गई, जब ठाकुर जी की कृपा हुई तब मैया ने बांध दे। इसलिए पहला अंगुल किया साधक का साधन चेष्टा और दूसरा अंगुल किया भगवान की कृपा। जब ये दो चीज मिलेगी फिर जा करके भगवान को कोई बांध सकते हो, तो भगवान को बांध नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर दो उदाहरण दिया, एक बिधि का और एक बंदर का। आप लोग बंदर देखे कि नहीं, अब तो यहाँ बंदर भी है। अब देखना बंदर का जो बच्चा होता है उसको मैया कभी पकड़ती नहीं, उसका बच्चा मैया को जोर करके पकड़ कर रखता है,
वो यहाँ से वहां, वहां से वहां से छलांग लगाएगा। अगर बीच में जो बच्चा माया को छोड़ देगा ना, अगर माँ नहीं उठाते उसको फेंक देते। इसलिए बच्चा जो करके मैया को पकड़ के रखता है और यहाँ से वहां छलांग लगाते हैं। ये अब बिल्ली देखे हो, बिल्ली देखे हो सब कुछ देखना। बिल्ली जब बच्चा जन्म देता है, ये बच्चा कुछ नहीं करता है, उसका माँ मुंह में पकड़ करके यहाँ से वहां, वहां से वहां, 10 बार यहाँ से वहां 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 करते रहेगा। कहते उन्होंने यहाँ पर दो चीज को उन्होंने लिए है, तो मधर इसलिए उन्होंने दो चीज को यहाँ पर ग्रहण किया है। कहते यहाँ पर दो चीज को हमें लेनी चाहिए। कहते देखो जो बंदर का जो चेष्टा है और जो बिल्ली का जो चेष्टा है, कहते ये दो चीज काम नहीं करेगा। मतलब जैसे बंदर वो कोशिश करता है माँ को जोर करके पकड़ कर रखे, अगर कोई कोशिश करे हम अपना साधन को द्वारा भगवान को पा लेंगे, नहीं पा सकते। तुम्हारे साधन चेष्टा से भगवान नहीं मिलेंगे, क्यों? वो अनंत असीम है, मतलब अबांग मनस गोचरम, जो हम वाणी बुद्धि से जो अतीत है, मतलब तुम उनको कैसे जान सकते हो। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं जानतु एव जानन्तु। अगर कोई कहता है भगवान को मैं जानता हूँ, ब्रह्मा कहते हैं उनको जानने दो, मैं स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ जिसने ये जगत को जिसने सृष्टि की, मैं अपना चार सर से जिनको समझ नहीं पाए दुनिया को मैं सृष्टि करने वाले। वो कहते हैं पृथ्वी का धूलपना को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की महिमा को जो कोई अंत नहीं पाएंगे। इसलिए उनका नाम अनंत है, उनका नाम अनंत है। इसलिए जो बंदर का जो चेष्टा है अपनी स्वयं चेष्टा से प्राप्त करो नहीं हो सकता है, लेकिन बिल्ली का जो चेष्टा, जैसे बिल्ली वो स्वयं कुछ चेष्टा नहीं करती है, उसको माँ पकड़ करके यहाँ से वहां वहां से 10 बार करती रहती है। अगर कोई सोचे अरे ठाकुर जी की इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता है, मैं क्या कर सकती हूँ, बोले भैया ये भी होगा। अगर कोई सोचे जब भगवान की इच्छा होगा हुआ है, उनको इच्छा के बगैर पता भी नहीं मिलता है, ये भी काम करेगा, फिर क्या करो, बोले दोनों को मिला, दोनों को मिलाओ फिर काम होगा। बोले कैसे? हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए, साधन भजन की हमें चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के नाम करो, उनकी जप करो, गीता पढ़ो, भगवान की सेवा पूजा करो, ठाकुर जी की साधन करो, तुम्हें चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन वो चेष्टा कैसे होनी चाहिए? बिल्ली जैसे। मतलब है हे ठाकुर, आप तो अनंत असीम हो, हम अपना चेष्टा से आपको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम चेष्टा तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होना तब तक हमारे साधन को तो आपको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मैया ने सवेर से शाम तक तो लगा दी, लेकिन बांध नहीं सकी, बोले क्यों? वो अनंत असीम है, लेकिन कब स्वीकार किया? उन्होंने ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए, ठाकुर मेरे लाज को तुम बचाओ, सवेर से शाम तक हो गया, भगवान कृपा करके बंधन स्वीकार किया। इसलिए हमारे चेष्टा भी चाहिए और भगवान की कृपा भी चाहिए, जब ये दोनों मिलेगी जहाँ फिर काम होगी। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया बोले सवेरे शाम तक तेरे पीछे पीछे सारे समय चला गया, घर का सारे काम काज अभी पड़ा हुआ, तू यही पड़ा रहो, कन्या को बांध दिए उखल में, मैया घर की काम काज कर रही थी। इतने में कृष्ण सामने देखा जमलाल जो दो बेटे आए, ये पहले जन्म में कुबेर का दो पुत्र ये थे, नाल कुबेर और मुनिगिरि। एक शंकर की बगीचा थी जिसमें ये रखवाली कर रहे थे, एक दिन शराब पी करके स्वर्ग के अवसरियों को लेकर के विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे थे। नारद जी उधर से गुजर रहे थे, इतने में उनकी जो अप्सरिया थी नारद जी को देख करके निकल करके आ गई और कपड़े से अपना शरीर को ढक करके पेड़ आड़ में छुप गई। लेकिन ये जो दोनों थे, बोले बाबा और तेरे को रास्ता मिला नहीं, इधर ही रास्ता मिल गया, हमारे रंग में तुमने भंग करने के लिए इधर आ गए। नारद जी को तो आग फाड़ फाड़ करके देख रहे थे। नारद जी ने देखा कहां स्वर्ग के कुबेर का पुत्र इतने ऊंचे कुल में जन्म हुए हो और विवस्त्र होकर के शराब पी करके जल विहार,
फिर कोई साधु आ जाए उसको फिर लाल लाल आग से देख रहे हो। इतने में नारद जी ने देखा इनकी कल्याण कैसे होएगा, इनकी उद्धार कैसे होएगा। उदाहरण दिया, जैसे माँ ने कोई बढ़िया खाना बनाया जो बच्चों को बड़ा प्यारा है, लेकिन बच्चा सो गया, फिर मैं क्या करेंगे, उसकी चिमटी काट करके हिला हिला कर उठाएंगे, जो हिला हिला कर उठा कर उसको जोर जबरदस्ती खाना खिला दिए। कहते उसी तरह श्री नारद जी बड़े दयालु, संत हृदय नवनीत समा। अभी नारद जी इनको कृष्ण प्रेम रस पिलाना चाह रहे थे, लेकिन ये तो नशे में मस्त है, भले इनको जगाना चाहिए, इसलिए नारद जी अभिशाप नहीं, इनको ऊपर उन्होंने कृपा की। बोले जाओ, जैसे तुम नंगे है ना, ये पेड़ नंगे रहते हैं, जाओ तुम लोग विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे हो, जाओ तुम लोग ये वृक्ष जन्म को प्राप्त करो। बोलते ही धीरे 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 वृक्ष बनना शुरू हो गए, सारे नशा उतर गया। नारद जी के चरण में गिर पड़े, हम कैसे मिलेगी। बोले जाओ गोकुल में ये जमलार जुन वृक्ष बन करके रहो, जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे तभी तुमको ये मुक्ति मिलेगी। अभी नारद जी के वाक्य को रक्षा करने के लिए इतने में कृष्ण सखाओं को बोले, बोले एक काम करो, ये उखल को पीछे से धक्का मार। जब धक्का मारे अभी कृष्ण गुठन पर चलते 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 दोनों वृक्षों के बीच में होकर जब चले गए, अभी उखल अभी अटक गया और उन्होंने थोड़ी सी ताकत लगाया तो दोनों वृक्ष दोनों तरफ में बड़ी तेजी से धराम करके गिरे। जब गिरे इतने में इतने जोर से आवाज हुई जैसे कहीं वज्रपात हुआ है। इतने में दोनों वृक्ष से दोनों नाल कुबर मुनिग्रीव दोनों निकले और नारद जी को चरण में प्रणाम किए। बोले नारद जी अब हम लोग ऊपर कृपा करो, कहते बानो बाणी गुणान कथन, अब हमें ये आशीर्वाद करो, जैसे हमारा जो वाणी बोले जीवा जैसे भगवान की कीर्तन में लगे। इसलिए भागवत में बताया जो लोग ये जीवा में भगवान की कीर्तन नहीं करते हैं, दुनिया की बात को जैसे मेरे को टट्टर 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 देखभाल करते रहते हैं। अब यहाँ बरसात का समय पर मेढक टैक्टर टैक्टर करता है, टैक्टर नहीं जो स्त्री मेढक वो अपना पुरुष मेढक अपना स्त्री मेढक को डाकता है बुलाता है, लेकिन सांप उसका काल है। अभी सांप देखता है अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, मेरा आहार तो मुझे ही ढूंढ रहा है, वो सर पर धीरे 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 आकर के चट पड़े उठा लेता है। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की बात तो बोलते नहीं, भगवान का नाम तो करते नहीं और दिन भर टट्टर 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 करते रहते हैं, बोले जो काल है ना धीरे 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 काल आकर के एक दिन तुमको ग्रास कर ले जाएगा। इसलिए भगवान की कथा छोड़ करके भगवान के नाम छोड़ करके इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। कहते जो सर कहते संतों को देखते ही जैसे सर उनका चरण में न जाए, बोले क्यों, बोले आज ये वृक्ष जो नहीं हमें क्यों हुआ, अगर संतों को देख करके अगर हम थोड़ी सी उनको प्रणाम कर लेते ना फिर हमें ये दुर्गति प्राप्त नहीं होता। हे प्रभु संतों को दर्शन करते ही जैसे ये सर अपने आप उनका चरण में झुक गया, बोले ये हाथ ठाकुर ने क्यों दिया, बोले ठाकुर की चरण की सेवा करने के लिए। कहते इन्हीं हाथों जैसे हे प्रभु तुम्हारी सेवा में लग जाए, कहते अगर इन्हीं हाथों को ठाकुर जी को सेवा में नहीं लगाते हैं, कहते हैं सबो करो वा गुरु तो सब पर जा, यहाँ से यहाँ तो सोने की कंगन पहन करके रखे, लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा नहीं करते हैं। ये हाथ कैसे, बोले सबो करो, ये हाथ नहीं ये तो भरा हुआ हाथ है। कहते इन्हीं हाथों से पूर्वज लोग कोई पिंड ग्रहण नहीं करते हैं, बोले भगवान ये दो कान क्यों दिए, बोले उनकी कथा सुनने के लिए। अगर भगवान की कथा नहीं सुनते दुनिया की सारी बात को सुनते हैं, बोले ये कान नहीं ये दो बील है जिसमें केवल जहरीले सर्प निवास करते हैं, बोले भगवान ये आंख क्यों दिए, बोले उनका दर्शन करने के लिए। अगर उनका दर्शन नहीं करते हैं दिन भर टीवी में उल्टा पुल्टा दुनियादारी पिक्चर गद्दी गद्दी दिन भर आंख फाड़ फाड़ देखते हो, कहते भैया मयूर पंखे में भी बड़े सुंदर सुंदर आंख बनी हुई है, मयूर पंखे में भी आंख बनी हुई, आंख का क्या महत्व है। अगर ये चरण से कोई तुलसी की परिक्रमा नहीं करते भगवान की मंदिर परिक्रमा सत्संग में नहीं जाते, बोले दुर्मजन भाजो, कहते दो प्यार किया वृक्ष जैसे एक जगह पर खड़ा हुआ
भगवान अगले जीवन में तुम्हें और ये इंसान जीवन नहीं देंगे, मना कर देते हैं। अगले जीवन में तुमको वृक्ष जन्म दे देंगे, बोले एक जगह पर वहीं पर खड़े रहो, क्यों तुमको मैंने मानव शरीर दिया, इसी शरीर से मेरी मंदिर परिक्रमा कर सकते, तुलसी की परिक्रमा लगा सकता था, गिरिराज परिक्रमा लगा सकता था, ये काम तो कुछ किया नहीं, एक जगह पर खड़े रहो, इसलिए अगले जीवन में उसको ये वृक्ष जन्म प्राप्त होता है। इसलिए इन दोनों ने कहा, हे प्रभु हमारे ऊपर में ये कृपा करो, जैसे आपके भक्तों को दर्शन मात्र से ही ये सार उनके चरण छूट जाए। भगवान को स्तुति करते हुए फिर दक्षिण दिशा में चले। इतने में जितने ब्रजवासी थे सब के सब एक हो गए, क्योंकि वो वृक्ष सत्य युग का वृक्ष था और ये हो गया द्वापर का अंतिम। इतने विशाल वृक्ष था, जब हीरा इतने जोर से आवाज हुई जैसे वज्र कहीं गिरा, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। इतने में नंद बाबा ने देखा लाला तो दोनों वृक्ष को बीच में फंसे पड़े हुए, अगर थोड़ी सी पेड़ इधर उधर होता ना बस लाला का तो राम नाम सत्य हो जाता। नंद बाबा जल्दी जल्दी आकर के देखो अभी कृष्ण सखाओं को साथ में सिद्ध ले कर देते, लेकिन जब नंद बाबा आकर खोलने लग गए और उन्होंने पकड़ से एक लड्डू निकाल कर दे दिया ना, देखना बच्चे का क्या स्वभाव है, अगर मैया को मारे रोना, मैया को मारे, अगर पिताजी थोड़ा आदर कर दे, पिताजी थोड़ा प्यार दे दे, देखना रोना 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 लग जाता है। इतने में कृष्ण तो अभी हंस रहे थे, अभी रोना शुरू कर दिया। नंद बाबा ने बोले लाला ये बताओ तेरे को बांधा किसने, बोले मैया, बोले खोला किसने, बोले बाबा, बोले खूब मैया मैया करते हो, अभी बताओ किसको पास में रहोगे, बोले अभी तो हम बाबा को पास में रहूंगा, मैया को पास में नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारती रहती है। इतने में मैया जसदा आ गई, नंद बाबा तो मैया को बड़ी डांट लगाए, अरे एक दो मटकी तो फुड़ा होगा और तो कोई बात नहीं, इसके लिए इतना बड़ा सजा, कितने कष्ट से एक लाला हमें मिला, फिर तुमने उसको उखल में बांध दिया, अब तब मरते मरते लाला बच गया, बोले लगता है तेरे को मटकी और ये दही में बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो इसको लेकर के रहो, मैंने दोनों बच्चों को लेकर तीर्थ जा रहा। भैया जसोदा इतने डर गई, बोले इन्हीं हाथों में आज मैंने कैसे बांध दिया लाला को, इन्हीं हाथों में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया। मैया तो बड़ी दुखी हो गई, मैया दुखी होकर के नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के ब्रह्मांड घाट में गए, दोनों बच्चों को स्नान कराया और धारस न दूध में मिश्री पिला करके दोनों बच्चों को पिला दिया। अभी घर में दोनों में लड़ाई हो गई, अभी नंद बाबा आए शाम को, आज सफर से यही लीला चल रही, आज किसको घर में खाना नहीं मिला, क्योंकि ये लीला सफर से चल रही है। मैया जसोदा कौन, रानी, अगर रानी अगर खाना नहीं बना कर खाएगी फिर प्रजा लोग कैसे खा सकते हैं, सारे ब्रज आज भूखे, किसकी घर में चूल्हा नहीं जला। और नंद बाबा आकर के एक कोने में कृष्ण बलराम को गोद लेकर बैठ गए और मैया एक कोने में बैठी बैठी रो रही है, आज मैंने कैसे लाला को उखल में बांध दी, अभी घर में लड़ाई हो गई। अगर दोनों व्यक्ति में लड़ाई हो पति पत्नी में, उसको सुलझाता है कर, कहते कोई बीच वाला कोई व्यक्ति हो, बोले बीच वाले कौन है, बोले ये रोहिणी, ये दाऊ भैया की भैया, बोले अभी इनके लड़ाई को मिटाना पड़ेगा, बोले बेटा कैसे, अगर कृष्णा बड़े क्रोध में मैया आज उखल में बांध दिए, अगर किसी तरह से कृष्ण को पिताजी की गोद से ला करके मैया की गोद में छोड़ दो ना, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। बोले दाऊ एक काम कर लाला, बोले क्या करो, बोले कृष्ण को बाबा की गोद से उठा करके माँ की गोद में छोड़ दे, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। इतने में श्री ताऊ भैया गए, बोले कन्हैया चलो मैया बुला रही है, मैया को पास में चलो। जब उन्होंने बलदेव कृष्ण का हाथ को पकड़ना, कृष्ण इतना क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे, कृष्ण ने झटका मारे, एक झटका मारे तो वहीं पर ताऊ भैया वहीं पर गिर पड़े। रोहिणी बोली कन्हैया मैया के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं, बोले क्यों, बोले मैया मेरे को मारती रहती है, मैया के पास में नहीं जाऊंगा, बोले फिर किसको पास में रहोगे, बोले पिताजी को पास में रहा करूंगा, बोले ये बताओ दूध तो पिता को पास में नहीं मिलेगा, दूध तो मैया के पास में मिलेगी, मैया के पास में दूध मिलेगी, फिर दूध कहाँ से पियोगे, बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे।
बोले सोगे किसको गोद में, क्योंकि कन्हैया जब तक मैया की गोद में नहीं सोना वो नींद नहीं आती थी। बोले किसको गोद में सोगे, बोले बाबा का गोद सो जाऊंगा। बोले खेलोगे किसको साथ में, बोले श्री ताऊ भैया को साथ में खेलूंगा। आगे मत आओ, माता जी वहीं पर बैठो, वहीं पर बैठो, वो वहीं पर बैठो। हरे कृष्ण। इसलिए वे खेलोगे ताऊ भैया को साथ में खेलूंगा। बोले बोले फिर मैया के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं मैया मेरे को मारती रहती है, मैं मैया के पास में नहीं जाऊंगा। इतने में रोहिणी कहती है अगर तुम मैया के पास में नहीं जाओगे, अगर मैया के पास में तुम नहीं जाओगे, अगर मैया मर गई तो, अगर मैया अगर ऐसे होगी, अगर मैया मर जाएगी मैया के पास में नहीं जाओगे फिर मैया की क्या होगी। जब रोहिणी बोली अगर तुम मैया की गोद में नहीं जाओगे मैया तेरे विरह में मर जाएगी, फिर तो कृष्ण को रहा नहीं गया, फिर कृष्ण पिताजी की गोद से खड़े हो गए और मैया 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 कहते कहते सीधा मैया की गोद में लेट गए। जब मैया की गोद में लेट गए कन्हैया, और कन्हैया को गोद में मैया पा करके फूट फूट कर रोने लग गई, और वहां पर जितने ब्रजवासी थे सबके सब ये लीला दर्शन करते हुए सबके सब रो पड़े। इसलिए हमारे श्री सत्यरत मुनि कहते हैं बोले लीला रानंद को रे सो गोस्वामी मजंता माख्या पर कृष्ण ऐसे ही मीठी मीठी लीला करते हुए संपूर्ण ब्रज को उन्होंने डुबो कर रखा था। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे श्री गिरिराज गोवर्धन उठाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जोर से जयकार लगा, जो जितने जोर से गिरिराज जयकार लगाओगे ना तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। गिरिराज की थोड़ी जय, जय तो उनका है ही है। जो जितने जोर से जयकार लगाए कल सुन रहे थे ना, उनको पास में जो कुछ मांगो गिरिराज की परिक्रमा करते हुए गिरिराज सारी इच्छा तो पूरी कर देते हैं। जो जितने जोर से जयकार लगाएगा उसका इच्छा उतना ही पूरी होगी। इसलिए जोर से जयकार लगाओ। बोले श्री गिरिराज की जय। अभी लग रहा है गिरिराज की जय का। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे ब्रजवासी इंद्र पूजा को बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाई। जब पूजा कराए इतने में जब एक साल बीत गई, इंद्र देखा हर साल ये ब्रजवासी मेरी पूजा सेवा करते थे लेकिन इस बार तो कोई सेवा पूजा कोई नाम गंध तक भी नहीं, क्योंकि साल में वो एक बार उनको बढ़िया बढ़िया खाना मिलता था। अगर आप साल से एक साल से इंतजार कर रहे हो कब एक दिन हमें बढ़िया भोजन मिलेगा, अगर वो भोजन को अगर किसी व्यक्ति को दिला दिया जाए बताओ आपको क्या होगा स्थिति, आपका स्थिति क्या होगा। और उतने बोले भैया एक साल से मैं देख रहा हूं कब ये ब्रजवासी हमें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएंगे लेकिन इस साल तो कोई ब्रजवासी कोई सेवा पूजा है ही नहीं। उन्होंने एक देवता एक दूत भेजे देख करके आओ ये ब्रजवासी कर रहे हैं क्या। उसने आ करके देखा इंद्र के लिए जो मालपुआ कचौड़ी रसमलाई लेडी के लिए चमचम बढ़िया चकाचक भोजन बनाया था जो इंद्र के लिए, वो सारे चीज को लेकर किसी गिरिराज गोवर्धन की कृष्ण पूजा कराना है। उसने जाकर के बोल दिया इंद्र
तुम जितना जो कुछ बनाया था तेरे लिए ना कृष्णा सभी का बुद्धि को भ्रमित करके और ये एक पहाड़ को पूजा करवा रहे। इंद्र को इतना क्रोध आ गया और ये ब्रज को मैंने एकदम तसनस कर दूंगा। उनने संवर्तक में अनचास पवन को बुलाए, बोले ऐसे ब्रज में ओले गिराओ और हाथी के सूंड के जैसे मूसलाधारा से बारिश करो जैसे ये ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। अब इंद्र का आदेश को पा करके 7 दिन तक मूसलाधारा से बारिश आंधी तूफान जैसे मानो प्रलय आ गई। इतने में ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण तेरे बात सुनकर के हम लोग ये गिरिराज की पूजा बंद कर दिया। देखो ये इंद्र क्या कर रहा है, ये तो प्रलय आ गया। बोले चिंता मत करो, हम सबके सब गिरिराज की हमने पूजा की, ये गिरिराज हमारी लाज बचाएगा। चलो जितने सारे सामान हैं उसको लेकर गिरिराज की तलहटी में चलो। जैसे एक बच्चा एक छतरी को उठा दे ऐसे ही कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने बाम अंगुल का नख को ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए। बोले ब्रजवासियों चिंता मत करो, सबके सब सारे सामान ले आओ, ला करके इसको नीचे सबके सब आश्रय ग्रहण करो। अभी प्रश्न है ब्रज तो 84 क्रोश है और 300 बहुत लेकिन गिरिराज को नीचे इतने सारे ब्रजवासी कैसे आ गए, इसको नीचे कैसे आ गए। कभी जो ब्रज है ना ये साधारण भूमि नहीं, ये अपराकृत भूमि। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत तो सुरभि रभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र सतसम भ्रम सेव्यमानम गोविंद अंगमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोले गिरिराज गोवर्धन क्या है, बोले यहाँ का जो भूमि है कभी ये चिंतामणि जैसे इसका भूमि, जो कुछ मांगो वही मिल जाती है। कहते वहां की वृक्ष कैसे है, बोले कल्प वृक्ष है, जो मांगो वही मिलेगा। कहते वहां का पानी, बोले पानी नहीं बोले तो अमृत, वो पानी वहां अमृत है। बोले ब्रज में चलना, बोले चलना नहीं, जब कोई चलते हैं ऐसे लगता है जैसे मानो सुंदर नृत्य कर रहे हैं। लेकिन वहां बोलना, बोले बोलना नहीं, जब कोई बोलते हैं ऐसे लगता है जैसे बड़े सुंदर भजन गा रहे हैं। क्योंकि वो धाम संपूर्ण अपराकृत दिव्य धाम श्री वृंदावन धाम है। इसलिए सारे ब्रजवासी गिरिराज के तलहट में सबके सब आश्रय लेंगे। कहते स्वर्ग में एक सभा है जिसको सुधर्मा सभा कहते हैं। बोले उसका चमत्कारिता क्या है, बोले अगर 100 लोग आ जाए बैठ जाएंगे लेकिन उसमें एक कुर्सी खाली रहेगी, अगर 1000 लोग आ जाए बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी, अगर 1,00,000 लोग आ जाए बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी उसमें खाली रहेगी, अगर 1,00,000,000 लोग बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी, एक कुर्सी कभी उसमें भरेगी नहीं। कभी ये सुधर्मा सभा की विचित्रता, ये स्वर्ग लोग हैं लेकिन उसको ऊपर में मोह जमना तप सत्य फिर उसको भर में 3 लोग फिर उसको वैकुंठ अयोध्या द्वारा गोलोक वृंदावन तो दिव्य धाम। हम भी सोच भी नहीं सकते ये वृंदावन धाम दिव्य धाम कैसे, सारे के सारे ब्रजवासी उसमें आ गए। जब आ गए इतने में सखाओं ने कहा कन्हैया तू अकेला श्री गिरिराज उठाओगे, हम थोड़ा लठिया लगा ले। बोले भैया तेरे से ये गिरिराज टिकेगा नहीं। बोले क्या तू अकेला किया, मैया का दूध पिए, हमने मैया की दूध नहीं पिए, तू थोड़ा विश्राम कर ले, कब तक ऐसे हाथ उठाओगे। जितने सखा लोग थे ना सबसे सब डंडे लेकर लगा दिए। इतने में कृष्णा जब हाथ को धीरे 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 नीचे किया ना गिरिराज धीरे 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 नीचे जाने लगा और जितने डंडे लगाए थे सबसे सब उठने लगे। बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं टिकेगा, तू गिरिराज उठा ले। और इतने में मैया यशोदा बारंबार कन्हैया को मक्खन खिला रही थी, लाला को भूख नहीं लग जाए। अगर आपको बोले 5 मिनट हाथ ऐसी तब तो 5 मिनट रख सकते हो, लेकिन कृष्णा 7 दिन तक रखे, ये कोई साधारण बात नहीं था। इसलिए मैया तो कन्हैया के हाथ को मालिश कर रही थी, मेरे लाला का हाथ में दर्द नहीं हो जाए। इतने में कृष्ण गिरिराज को क्यों उठाया, कल हम लोग सुन रहे थे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको पीछे 4 कारण बताया। 4 कारण में कल तक सुन चुके
के कारण उसमें एक कारण था, कृष्ण सोच रहे थे ये गोपियों से मिलना बहुत कठिन होता है और राधा रानी से तो मिलना बहुत बहुत ही कठिन होता है, ऐसे क्या काम करें जब ये गोपियों से और राधा रानी से हम 7 दिन तक इनको साथ में उत्सव करें, इनको दर्शन करके आए। बोले जब गिरिराज गोवर्धन उठाऊंगा फिर सप्त आश्रय लेना ही पड़ेगा। इतने में राधा रानी सामने आ गई। बोले राधा रानी कौन है? तब ये साक्षात प्रेम हुई राधा रानी कृष्ण की, ये लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्री राधा रानी, ये प्रेम स्वरूपिणी राधा रानी। कृष्ण जब राधा रानी को दर्शन किए इतने में कृष्ण का प्रेम ना जो गिरिराज गोवर्धन डगमगाने लग गया है, वो डगमगाना कर लग गया क्योंकि राधा रानी को दर्शन करते ही इनका शरीर कंपने लग गया। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत है ये प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बंसी करार निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्टस्य पीतवसनम ब्रजराज सुम। इसका मतलब है कृष्ण से राधा रानी कृष्ण को एक बार कृपा कटाक्ष एक बार तेरी चित्तवन से कृष्ण को दर्शन करना, बोले राधा रानी के तेरी चित्तवन नहीं वो तीर है और कृष्ण का छाती में इधर से उधर हो जाता है। इसलिए बंसी करार निपतित स्खलितम शिखंडम, केवल राधा जी की एक कृपा कटाक्ष से फटते ही कहते कृष्ण का जो बंसुरी अपने आप नीचे गिर जाता है, कहते उनका जो मयूर पंख वो अपने आप नीचे गिर जाती है, कभी यहाँ तक उनको वस्त्र भी कभी खिसक जाता कृष्ण को पता नहीं चलता है। अगर राधा रानी दर्शन करना कभी कृष्ण बेहोश हो जाते हैं। इसलिए जब मैंने राधा रानी की दर्शन की, दर्शन मात्र से ही कृष्ण तो डगमगाने लगते, कृष्ण गिरिराज को पकड़ नहीं पा रहे। इतने में गिरिराज हिल गया, इतने में सखा लोग कृष्ण को पकड़े, बोले कन्हैया सावधान तो क्या कर रहे हो, ये गिरिराज नीचे गिर जाए थोड़ा संभल कर रहे हो राधा रानी को दर्शन करते हुए। इतने में इंद्र ने तो 7 दिन तक उसने सारी ताकत उसने लगा दी। इतने में कृष्ण श्री सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, बोले सुदर्शन चक्र, इसलिए आप लोग गिरिराज में गए होंगे वहां पर एक चक्रेश्वर महादेव है जहां पर शंकर जी ये सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं, हे प्रभु सुदर्शन चक्र को आप ये ब्रजवासी को रक्षा करो। इतने में सुदर्शन चक्र आकाश में जाकर के कोटि सूर्य का तेज को प्रकाश की और जितने बारिश हुई ऊपर ऊपर से उन्होंने सारे पानी को उन्होंने सुखा दी, एक बूंद पानी नीचे एक बूंद पानी नहीं आया। 7 दिन बाद इंद्र ने एक दूत को भेजा, देख करके आओ ये ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत केवल ऊपर ऊपर से देख कर गया, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब समाप्त। दूसरे भेजा, तू देख कर क्या, वो तो ऊपर गया था देखने के लिए, लेकिन ये आया नीचे, नीचे आकर देखा कि चिट्ठी तक भी मरे नहीं, यहाँ तो धूल उड़ रहा है। और वो सोच रहा था इंद्र शायद ब्रजवासियों को कोई विपत्ति आ पड़ी, बोले विपत्ति नहीं, वहां पर तो कृष्ण के मुख दर्शन करते हुए कृष्ण को साथ में कीर्तन कर रहे गाए, वहां पर धूल मल हो, वहां पर तो होली मच रहा था। बोले आज बीरज Oh, yeah.
Yeah.